मुसारी थाना क्षेत्र के बेदौलिया में 1,80,000 की लूट की फर्जी वारदात के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों अपराधियों को राशि के साथ पकड़ा। बैंक कर्मी ने लूट की साजिश रची थी। मामले में थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि निजी बैंक मैनेजर रमेश कुमार से मिली लूट की सूचना पर मंगलवार को तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अपराधी को राशि के साथ पकड़ लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार सकरा थाना के दुबहा निवासी गौरव कुमार एवं दीपेश कुमार ने पुलिस को बताया कि बैंक कर्मी ने ही लूट की साजिश रची थी। बंधन बैंक जो आमगोला शाखा है वहाँ के रमेश कुमार जो कि एरिया मैनेजर हैं महिषौर वैशाली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने सूचना दिया थानाध्यक्ष को कि हमारा अमित कुमार जो कि कलेक्टर था, पैसा कलेक्शन करता था, वो ले जा रहा था और वहीं पर स्टेट बैंक से 500 मीटर आगे पुलिया के पास उसको दो लोगों ने आकर के उसका 1,80,000 रुपया लूट लिया है। इस सूचना के बाद से थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता द्वारा एक जितने भी वहां उपस्थित लोग थे उनको लेकर के उपस्थित लोगों में तेज प्रकाश सिंह थे, संतोष सिंह थे, अश्विनी कुमार थे और मुकेश कुमार चौकीदार, दो चौकीदार भी थे जो एक्टिव चौकीदार हैं, और इनको सारे लोगों को एक साथ लेकर के और घटना का तफ्तीश करने लगे। तफ्तीश करने के दौरान कि जो इन लोगों को मोबाइल नंबर भी मांगा गया था वादी से, लेकिन मोबाइल नंबर से कोई सफलता नहीं मिल पाई। मैनुअली रंजीत कुमार ने वो लुटेरों को दबोच लिया, जिसमें कि मुख्य रूप से दो ही लुटेरे थे ही, एक दीपेश कुमार और दूसरे गौरव कुमार। ये दोनों पकड़ा गए और उनके पास से 1,80,000 रुपये भी बरामद हो गया। एक मॉर्फिन कंपनी का ये एक मशीन था वो भी, और एक सैमसंग का टैब, ये सारा चीज़ वहाँ से मिल गया। उसके बाद से फिर जब दोनों से विशेष पूछताछ होने लगी थाने में, तो उन्होंने अमित कुमार का नाम लिया जो कि जिसके पास से 1,80,000 रुपये की लूट हुई थी, उसका नाम लिया कि हम तीनों एक ही दुबहा सकरा थाना सकरा के निवासी हैं और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही ये षड्यंत्र किया था और हम लोगों को बताया गया था कि मोबाइल लेकर नहीं आना है। तीनों लोग जो पुलिया था वहीं पर बता दिया था कि हम उधर से लेके आए, जब लेके जाएंगे बंधन बैंक आमगोला में जमा करने उसी समय तुम लोग हमसे लूट लेना। तो इस तरह से उन लोगों के निशानदेही पर, उन लोगों के बुलाने पर ही अमित कुमार भी जो कि वादी था, वादी बाद में जब थानाध्यक्ष बुला रहे थे तो आ ही नहीं रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर इन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया तो वो आ गया। इस तरह से अमित कुमार भी हम लोगों की गिरफ्त में आ गया और दीपेश कुमार जिसके पास से ये सारा चीज़ बरामद हुआ था, उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि हम तीनों एक ही गाँव के हैं और जो कि दुबहा गांव है सकरा में, और हम लोगों ने 3 दिन पहले षड्यंत्र किया था, एक कलेक्ट किया हुआ 1,80,000 रुपया पचाने की नियत से, उसको हड़पने की नियत से हम लोगों ने ऐसा कार्य किया था। तो आपको पता है सच का आईना।